हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीक में बहुत सारी डिफरेंट चीजें हुई है और एक एक करके सब कुछ आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। एंड लास्ट तक आप लोग कुछ भी मिस मत करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईफोन 15 प्रो या फिर आईफोन 15 अल्ट्रा। प्राइसिंग बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है, अराउंड 20-30,000 रुपीज 14 प्रो से ज्यादा होने वाली है। अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 रुपीज का आईफोन हम लोगों को मिलेगा। ये बहुत ज्यादा प्राइसिंग है और एप्पल उस हिसाब से जो है फीचर्स पे काम कर रहे हैं, मतलब टाइप सी मिलेगा, कैमराज में कंप्लीट अपग्रेड मिलेगा, डिजाइन अपग्रेड और भी बहुत सारी चीजें। तो 15 अल्ट्रा के लिए वेट डेफिनेटली रहने वाला है। बट क्या 1,70,000 रुपीज वर्थ होंगे या फिर नहीं होंगे वो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। अभी के लिए मैक्सिमम लोग खुश नहीं होंगे क्योंकि प्राइसिंग एक्चुअली में इंडिया में बहुत ज्यादा होगी अगर 1,70,000 तक जाता है, जो भी अभी तक लीक्स है। बट देखना होगा कि एप्पल एग्जैक्टली क्या करता है क्योंकि एप्पल का स्टोर भी आ रहा है और आईफोन 15 की मैन्युफैक्चरिंग भी जो है इंडिया में होगी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, iOS 16.3 बेटा 2 रिलीज कर दिया एप्पल ने और बहुत सारे टेक्निकल अपग्रेड्स हैं, कुछ फीचर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं है, सिर्फ छोटी मोटी टेक्निकल चीज है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद नेक्स्ट एप्पल न्यूज, एप्पल का द मोस्ट अवेटेड AR/VR हेडसेट, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ, वो मार्च में लॉन्च होने वाला है। लेकिन परचेज करने के लिए वेट करना पड़ेगा एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि एप्पल जो है उसको अनाउंस कर देगा 2023, पुश करेगा एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो मार्केट में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। और ये प्रोडक्ट जो है डेफिनेटली बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी में, AI में चेंज करने वाला है। तो उसके लिए डेफिनेटली वेट रहेगा कि इस प्राइसिंग पे आता है, क्या फीचर्स आते हैं, वो सारा कुछ देखना रहेगा। बट फॉर नाउ ये प्रोडक्ट डेफिनेटली मस्ट वॉच और मोस्ट अवेटेड रहने वाला, तो इसका वेट रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू मार्क गर्मन मार्च में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब WWDC से पहले, WWDC जो है जून में होता है, तो मार्च में आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा। एंड देखते हैं एप्पल प्रेस रिलीज करता है या फिर क्या करता है। उसी बार नेक्स्ट एप्पल न्यूज, आईफोन 15 अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन आईफोन 16 की न्यूज अभी से ही आ गई है। एप्पल काम कर रहा है अंडर डिस्प्ले फेस ID और सिंगल पंच होल कैमरा के लिए। तो मतलब एप्पल चाहते हैं कि कंप्लीटली मार्केट में से जो है डिफरेंट हो जाए, जो वीवो ओप्पो ने किया और वो बंद कर दी क्योंकि वो इतना परफेक्ट नहीं रहा, लेकिन एप्पल उसमें जो है एक्सेल करना चाहता है और ये चीज डेफिनेटली वर्थ वेटिंग होगी। बहुत सारी चीजें चलती है जब एक कंपनी ट्राई और टेस्टिंग करती है, तो बहुत सारी चीजों की सैम्पलिंग होती है, टेस्ट होती है, मार्केट, R&D। तो देखते हैं एप्पल फाइनली iOS 16 में भी क्या करता है, बट ज्यादा दूर नहीं जाता है, अभी आईफोन 15 लॉन्च होगा, उसका वेट रहेगा। और लास्ट एप्पल न्यूज जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को भी लगी, फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, दोनों जगह आईफोन्स पे प्राइस ड्रॉप होने वाला है। एंड आईफोन 12 मिनी, आईफोन 11, ये मॉडल्स जो आप लोगों को थोड़े पुराने देखने के लिए मिलते हैं, से आईफोन 14 प्रो मैक्स तक आप लोगों को प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। एंड मोस्ट अवेटिंग रहेंगे आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस, जिसके लिए मैं आप लोगों को जो अपडेट कर दूंगा। एंड प्राइसिंग वुड बी क्रेजी, अराउंड 50-60,000 तक प्राइसिंग जा सकती है जो टीजर है, बाकी देखेंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, तो आप लोग उसको जो चेकआउट कर सकते हो। आज की आपकी कौन सी फेवरेट न्यूज थी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।